हेलो फ्रेंड। तो फाइनली दोस्तों, क्लास 12 सीबीएसई का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। दोस्तों बहुत ही शॉकिंग तरीके से जो रिज़ल्ट है इस बार 2 मई 2019 को ही रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर सीबीएसई रिज़ल्ट पर डिक्लेयर करना है। यहाँ पर दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 2019। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल अपनी एंटर करनी है, जैसे अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर और एडमिट कार्ड आईडी। दोस्तों जो आपका हॉल टिकट था क्लास 12 का, सभी उसके ऊपर ये सभी डिटेल लिखी हुई होंगी। तो यहाँ पर एंटर करके आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब रिज़ल्ट शो हो जाएगा आपका, तो आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। वहाँ से आपको एक प्रिंट का शेयर का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फ़ोन आप अपने फ़ोन में ही अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। तो आई होप कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, और अगर रिज़ल्ट कोई चेक करने में आपका प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।